दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं नेपाल के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन सिंधुली में। सो दोस्तों अब मैं एंटर कर चुका हूं नेपाल में वाया भिट्टामोड इंटरनेशनल बॉर्डर। सो भिट्टामोड इज वन ऑफ द इंटरनेशनल चेक पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो इस रास्ते के थ्रू अब हम जाएंगे जलेश्वर एंड जलेश्वर से जनकपुर होते हुए जाएंगे। तो जब हम जनकपुर की बात करते हैं तो याद आते हैं हमें माँ जानकी। जी हाँ दोस्तों, तो जनकपुर जो है वो माता सीता आवासीय स्थान है। एंड चूंकि ये रास्ते में पड़ता है तो मैं अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया माँ जानकी मंदिर, जहां पे हमने दर्शन किया माता जानकी के। और फिर वहां से हम निकल पड़े बर्दी बांस की तरफ, जो कि जनकपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों रास्ते में मुझे एक बर्दीबास रिजॉर्ट मिला, जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ टी और स्नैक्स लिया और कुछ टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। और फिर यहाँ से हम निकल पड़े सिंधुली की ओर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं सिंधुली बस स्टैंड में। क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, बहुत ही दुर्गम एरिया है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू होता है, तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलेगा नहीं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपना खुद का एक कैब लो और फिर प्राइवेट कार करके यहाँ पे आओ, ताकि आपको यहाँ पे घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहती है। एंड दोस्तों बस स्टैंड से सटे हुए ही यहाँ पे एक सिंधुली मार्केट है, जो कि यहाँ पे मतलब कि दूर दूर तक आपको कोई ज़्यादा मार्केट आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए इन्होंने एक स्पेशल मार्केट का जोन बना के रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सिंस उस तरह का लैंड नहीं होता है, उस तरह का मतलब कि जगह नहीं होता है जिसमें आप आसानी से एक मार्केट को बना सको, तो इसीलिए इस में ये एक ही मार्केट है जो कि शॉपिंग वगैरह के लिए आपको यहाँ पे हर तरह की सामान मिल जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, तो वो सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर दूर पे घर होते हैं लोगों के, तो काफ़ी दूर से मतलब चल के ही आते हैं। सिंस ये पहाड़ी क्षेत्र है तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होती नहीं है, तो इसीलिए कि एक काफ़ी बड़ा एरिया है, उस एरिया का ये सिंगल मार्केट है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं गणपति रिजॉर्ट में, जहाँ पे हमने अपना रूम बुक किया है। और चलिए हम आपको इस रिजॉर्ट से रूबरू कराते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी नेपाल के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन दैट इज सिंधुली। सो सिंधुली जनकपुर और भिट्टामोड जो बॉर्डर है वहां से ऑलमोस्ट आपको 100 किलोमीटर अवे है। और यहां पे आप देख सकते हो कि जहां पे मैं अभी ठहरा हूं वो है गणपति रिजॉर्ट। तो ये रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है, बाकी इस रिजॉर्ट के स्पेशलिटी मैं आपको शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको अब यहाँ के कुछ स्पेशलिटी है, यहाँ पे कुछ क्या क्या फैसिलिटी है वो सब दिखाता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस रिजॉर्ट के खूबसूरती। Thank you.
लगता है कि इस रिजॉर्ट का कैपेसिटी जो है वो 100+ रूम्स के हैं। तो आप यहाँ पे फैमिली फंक्शन के लिए या मैरिज फंक्शन के लिए भी यहाँ पे आप बुक कर सकते हो, और स्टे के लिए जैसे कि सिंगल बेडरूम लेना है तो आपको 2500 में, जो कि नेपाली करेंसी है। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, कॉफ़ी पे मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे बार भी है जो कि रात के 10 बजे तक खुले रहते हैं। आप इस दौरान कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे रूम सर्विस भी है, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके एक कैफेटेरिया है, डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ और हम यहाँ पे आए हैं ग्रुप ट्रिप पे। और यहाँ पे ये हमारे दोस्त है राहुल और रणधीर। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने काफी कंपनी दिया है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सिंदुली से गढ़ी है लगभग 6 से 7 किलोमीटर, ठीक है। और वो जो है एक पिक पॉइंट है यहाँ पे, इस पूरे एरिया में सबसे जो हाईएस्ट जो माउंटेन है ना, वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूरी पे है, जिस जगह का नाम है गढ़ी। तो अब हम अपने दोस्तों के साथ चलते हैं गढ़ी और वहाँ से देखते हैं माउंटेन का व्यू। चुका हूँ सिंदली गढ़ी वाले हाईवे पे, जहाँ पे ये जो लोकेशन है वो एक टेली पॉइंट के लिए इस जगह को बनाया गया है। जनरली यहाँ पे जो जोर का जो वाइडनेस है वो है ऑलमोस्ट 5-6 फीट है। तो यहाँ पे स्पेशली एक सेपरेट प्लेस बनाया गया है जहाँ पे टूरिस्ट आके यहाँ पे अपना सेल्फी ले सके। तो यहाँ पे आप देखो कि पीछे जो है लगभग पूरी कोई खाई है, और यहाँ पे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो लगभग ग्राउंड से 4000 मीटर ऊपर है, अबव द ग्राउंड लेवल। तो आप यहाँ पे देखोगे कि काफ़ी रिस्की प्लेस है, तो बट इट्स बेटर टू यू नो मीन स्टे अवे फ्रॉम द कॉर्नर टू बी सेफ, बिकॉज सेफ्टी इज़ द बिग कंसर्न एक्चुअली। सो आप देख सकते हो कि ये पूरी पूरी जो है ये पर्वतों से घिरा हुआ, और भी ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए हम आगे और दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना मार्केट भी है, चलिए मार्केट आपको घुमा के लाते हैं। अभी जिस जगह पे है उस जगह का नाम है गढ़ी, ठीक है। तो गढ़ी ये सिंस ये बहुत ही पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, तो एक्चुअली में आपको लग रहा होगा कि ये संतरा है, बट इट्स नॉट ऑरेंज, ये जुनार है। स्पेशली इन एरियाज में ये पाए जाते हैं। इसका जूस जो है बहुत ही हेल्दी होता है, तो हमने एक जूस का ऑर्डर दिया है, तो देखते हैं टेस्ट करके।